हेलो एंड वेलकम टू एसओएल रिपोर्टर, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एसओएल स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता है, एसओएल में भी फोर्थ सेमेस्टर की ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन जो फोर्थ सेमेस्टर के प्रोग्राम कोर्सेज हैं, बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम, उनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अभी कुछ ही स्टूडेंट्स को ऑफलाइन क्लासेज के मैसेज आए हैं और बीकॉम प्रोग्राम में तो बॉयज़ स्टूडेंट्स की क्लासेज अभी तक स्टार्ट नहीं की गई हैं। तो इस कंडीशन को देखते हुए एसओएल को ये रियलाइज़ हो रहा है कि प्रोग्राम कोर्सेज में क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो सभी की एक साथ ऑफलाइन क्लासेज कंडक्ट करवाना अभी पॉसिबल नहीं है। तो एसओएल ने जो प्रोग्राम कोर्सेज हैं फोर्थ सेमेस्टर के, बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम, उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस जो है स्टार्ट कर दी हैं। और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस तरह के मैसेज भी रिसीव हुए हैं। अगर आप प्रोग्राम कोर्सेज में बीए प्रोग्राम या बीकॉम प्रोग्राम के फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, तो आपके पास भी हो सकता है इस तरह का मैसेज आया हो, जिसमें साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ऑनलाइन अकेडमिक काउंसलिंग सेशन यानी पीसीपी क्लासेस फॉर बीए प्रोग्राम और इसी तरह से बीकॉम प्रोग्राम इज कमेंसिंग फ्रॉम 10th मार्च, यानी 10 मार्च से आपके ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी। ऑनलाइन क्लासेस आपको कैसे लेनी है, तो जिस तरह से आपने थर्ड सेमेस्टर में अपनी क्लास ले ली थी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप के थ्रू, तो उसी तरह से ऑनलाइन क्लासेस फोर्थ सेमेस्टर में भी आपके लिए स्टार्ट की जाएंगी। आपकी जो आईडी और पासवर्ड है वो आपके यहाँ पे मैसेज में भी मेंशन किया होगा। इसके अलावा आप स्टूडेंट डैशबोर्ड में आप जाएंगे तो वहाँ पे भी आपकी आईडी और पासवर्ड वहाँ पे मेंशन किया गया होगा, ठीक है। तो अभी के लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि जो फोर्थ सेमेस्टर के प्रोग्राम कोर्सेज हैं, बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम, क्योंकि उनकी एक साथ ऑफलाइन क्लासेस कंडक्ट करवाना पॉसिबल नहीं हो रहा था, तो अभी के लिए उनकी ऑफलाइन क्लासेस नहीं होंगी और उनकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करवा दी गई हैं, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स के पास ऑफलाइन क्लासेस का मैसेज आया था वो ऑफलाइन क्लासेस के लिए अभी भी जा सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास ये ऑनलाइन क्लासेस का मैसेज आया है या जिनके पास मैसेज नहीं भी आया है, वो भी अपनी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करने के लिए ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पास मैसेज आया हो, क्योंकि आईडी और पासवर्ड जो है सभी स्टूडेंट्स के लिए जनरेट किया गया होता है और वो आप अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड से देख सकते हैं। और उस आईडी और पासवर्ड का यूज़ करके आप अपने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप, जिस तरह से आपने थर्ड सेमेस्टर में क्लासेस ली थी उसी तरह से आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। अभी के लिए मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग फोर्थ सेमेस्टर के दो कोर्सेज, बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के पास ही मैसेज आया है। बाकी अगर किसी ऑनर्स कोर्स के स्टूडेंट के पास मैसेज आया हो या फिर किसी सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के पास मैसेज आया हो, तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं ताकि मैं आगे स्टूडेंट्स को बता सकूँ। अभी के लिए जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग जो सिर्फ प्रोग्राम कोर्सेज हैं फोर्थ सेमेस्टर के, बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम, उन्हीं स्टूडेंट्स के पास ये मैसेज आया है। ऑनलाइन क्लासेस का जो शेड्यूल है वो कैसे चेक करना है आपको, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑनलाइन क्लासेस के शेड्यूल को देखने के लिए आपको आ जाना है एसओएल की वेबसाइट पर, और इसमें आप ऑनलाइन क्लासेस के सेक्शन में आएंगे तो आपको इस तरह से जो ऑनलाइन क्लासेस का शेड्यूल है वो यहाँ पे दिख जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया 10 मार्च से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो 10 यहाँ आप देख सकते हैं, 9 मार्च की क्लासेस हैं, ये आपकी मास्टर्स की क्लासेस के नीचे आप आएंगे तो 10 मार्च को आपकी क्लासेस का शेड्यूल जो है दिख जाएगा कि किस टाइम पे आपको कौन से सब्जेक्ट की क्लास होगी। वहाँ पे सब्जेक्ट टीचर का नेम यहाँ पे मेंशन होगा और कल तक जो है यहाँ पे लिंक आ जाएगा, लिंक आपका यहाँ पे भी जनरेट हो जाएगा। इसके अलावा जो आपका स्टूडेंट डैशबोर्ड है वहाँ से भी आप लिंक वहाँ पे भी आ जाएगा, वहाँ से आप अपनी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीए प्रोग्राम के फोर्थ सेमेस्टर के यहाँ पे सब्जेक्ट्स मेंशन किए हुए, नीचे यहाँ पे बीकॉम प्रोग्राम का यहाँ पे मेंशन किया हुआ, और इसी तरह से 11 मार्च को आप देखेंगे तो 11 मार्च में भी यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो ये बीए प्रोग्राम के सब्जेक्ट्स की क्लासेस यहाँ पे मेंशन की हुई है, और इसी तरह से बीकॉम की जो सब्जेक्ट्स की क्लासेस हैं वो भी यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो अभी के लिए इन्फॉर्मेशन यही है कि फोर्थ सेमेस्टर के जो प्रोग्राम कोर्सेज हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं, और आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस जो है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप के थ्रू जिस तरह से आप थर्ड सेमेस्टर में लेते थे उसी तरह से आप ले सकते हैं। अब इसके रिगार्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये भी क्वेरी आ रही है कि क्योंकि हमारी क्लासेज अब ऑनलाइन स्टार्ट की गई हैं, तो इसके कितने चांसेस है कि हमारे एग्जाम जो है फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के वो भी ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करवाए जाएँ। तो देखिए, इसके रिगार्डिंग अभी कोई भी अजम्पशन करना ठीक बात नहीं है। अभी के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो ये कि आपकी ऑनलाइन क्लासेज जो है प्रोग्राम कोर्सेज के लिए स्टार्ट की गई है। जो बाकी एग्जाम की अपडेट है उसकी अपडेट अभी भी यही है कि फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के एग्जामिनेशन आपके ऑफलाइन मोड में ही कंडक्ट करवाए जाएंगे। फोर्थ सेमेस्टर के एग्जामिनेशन 9 मई से स्टार्ट होंगे और सिक्स सेमेस्टर के एग्जामिनेशन 11 मई से स्टार्ट होंगे। इसके अलावा और कोई आपकी क्वेरी है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिखें, उसका आपका रिप्लाई किया जाएगा। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो परेशान हो जाते हैं कि प्रोग्राम कोर्सेज में उनके पास अभी तक मैसेज नहीं आए, तो उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं कि अगर आपके पास ऑफलाइन क्लासेस का मैसेज नहीं आया तो आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस जो है ज्वाइन कर सकते हैं।